नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद आदम गोंडवी साहब की एक कविता जिसका शीर्षक है चमारों की गली लेकर हाजिर है। चमारों की गली, यह कविता कई मायनों में खास है। इन मायनों में खास है कि एक वर्ग विशेष को किसी न किसी रूप से अपनी सामाजिक कुरीतियों से पीछे रखा हुआ था। एक वर्ग विशेष जो खुद ही आगे नहीं आना चाह रहा था कई मायनों में। एक वर्ग विशेष जिसको इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ा। एक वर्ग विशेष ऐसा जो अपने उस हुनर को जिस पर उसका अस्तित्व टिका हुआ था और हालांकि आज भी है, को अपने आप गर्व महसूस करने के बजाय खुद को पिछड़ा मान लिया था और आज भी मानता है। आज किसी भी रूप में अपनी अस्मिता, अपनी जाति को न समझ पाने की एक सामाजिक समस्या के रूप में उभरी हुई है। इसी इन्हीं सब तमाम बातों पर आदम गोंडवी साहब एक ऐसी गली की बात करते हैं जहाँ पर भुखमरी है, सामाजिक छुआछूत है, अवसरों का ना होना है, तमाम चीज़ें हैं जिस पर आदम गोंडवी साहब बात करते हैं। तो आइए कविता शुरू करते हैं। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी आ रही है सामने से हर कुआं की छोकरी है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी आ रही ये सामने से हर खुआ की छोकरी चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा मैं इसे कहता हूँ सूरज पार की मोनालिसा मैं इसे कहता हूँ सूरज पार की मोनालिसा कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत में डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत में रेत से घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी मोड़ पर देखा तो अजनबी बाहों में थी चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई चीख निकली भी तो होठों में घुटकर रह गई छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया
वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें। अरे ये दुश्मन बहु बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बचा नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वो इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए न यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ। पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है। हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजुपार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने वो लज्जित जिंदगी की पा गई। वरना वह मर्दूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है। हरखू उसकी शाह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नापती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या
इज्जत रहेगी आपकी, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया। हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। राज जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। राज जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बैंत की लाठी संभाले हाथ में। सिर पे टोपी, बैंत की लाठी संभाले हाथ में। एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने। जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस बेहोश फिर हो जाता रहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। मेरा मुंह क्या देखते हो, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहाँ खड़े में थे। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहाँ खेड़े में था। वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वो होश को खोने लगा। घर को जलते देख कर वह होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह में शब्द से झूलते फूल रहे। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से भी जो टकराएगा वो मारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें। होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गी की तरह मत बांग दो। बोला थानेदार मुर्गी की तरह मत बांग दो। होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल।
पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सूरज पार कि कृष्णा का हाल, कहिए न सूरज पार कि कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरों कार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पर नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही, है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितने कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितने कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितना कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी की ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इस कविता को समाप्त करते हैं साथियों। इस कविता पे अब कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। इस कविता को पढ़ते वक्त मेरे ही मन में कितने ही ऐसे क्षण आए कि मतलब हम किस समाज में जी रहे हैं। हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ व्यक्ति की कीमत अब इतनी भी नहीं रह गई है। औरत केवल उपभोग की वस्तु रह गई है। आए दिन आज हम अपने समाज में भी देख रहे हैं जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियाँ और बढ़ रही हैं। आज हमें आदम कोंडवी जैसे और भी लोगों की ज़रूरत है जो सामने आए और प्रमुखता से और प्रखरता से ये बात कह सकें कि जो समाज में घट रहा है वह गलत हो रहा है और वह कौन लोग हैं जो इस गलत को समर्थन दे रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे संवैधानिक अधिकार केवल दिखाने और संविधान में लिखे रहने के लिए नहीं हैं, उसका उपयोग करना चाहिए, उसका प्रयोग भी करना चाहिए। और हमारे संपर्क में जितने भी गरीब मजदूर और मजलूम लोग मिलें उनकी सहायता भी करनी चाहिए। हमारे शिक्षित होने का कोई लाभ नहीं है, उस डिग्री का कोई लाभ नहीं है अगर हम अपने समाज में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता, ऊंच नीच भेदभाव को बना के रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी जाति पर गर्व मत कीजिए, गर्व कीजिए। जाति एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने जीवन का मकसद प्रदान करती है, जाति आपके होने का अभिमान प्रदान करती है, जाति आपका पर्याय हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जाति आपको यह अधिकार दे कि आप किसी और वर्ग के लोगों को निम्न समझें, हीन दृष्टि से देखें, उनके अधिकारों का हनन करें, उनके जिस्म का शोषण करें, उनका मानसिक शोषण करें, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। एक सभ्य समाज में किसी भी रूप में यह ठीक नहीं है। बाकी जरूरी नहीं है आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगे, जरूरी नहीं है ये कविता आपको उतनी ही आत्मीयता से झंझोर दे जितनी आत्मीयता से आदम साहब ने लिखने की कोशिश की है। हाँ, अगर ये कविता आपको नहीं झंझोरती है, नहीं झकझोरती है, तो सही मायने में आप यह समझिए आप इस समाज के लायक नहीं हैं। आप और हम उस समाज के बिल्कुल लायक नहीं हैं अगर हम अपने समाज को ऐसे कुरीतियों से, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों से नहीं बचा सकते हैं। शिक्षित बनिए, सभी के समाज, सभी को समान दर्जा मिले प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। बाकी तब तक ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का।